हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव हम कवर करेंगे। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे, 2 से 3 बार क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं। और देखिए, कभी कभार आपके वित्त सचिव पूछ लिए जाते हैं, तो कभी और कोई। तो हम सारे आपके जितने भी सचिव हैं, करीबन 50 से लगभग हम क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में, जितने भी है पूरे यहाँ से, ताकि एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। वैसे आपको बता दें, जिस जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे, उन सभी टॉपिक को हम आपको करवा चुके हैं। सभी टॉपिकों पर वीडियोस आपको मिल जाएगी। जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट हमने अपडेट कर दी है, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आई बटन पर भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पर सभी वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं। अब फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं श्री इकबाल सिंह बैंस के बारे में, और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। इनसे तो आपका 110% क्वेश्चंस बनेंगे, क्लियर है? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, इकबाल सिंह बैंस। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। उसके बाद में आते हैं आपके श्री शैलेंद्र सिंह। अब ये कौन है? तो ये आपके अपर मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश के, और उच्च शिक्षा विभाग कृषि उत्पादन के आयुक्त ये है। अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है उच्च शिक्षा विभाग का, क्लियर है? नेक्स्ट है वीरा राणा। ये वीरा राणा जो है पहले निर्वाचन आयुक्त थी, निर्वाचन अधिकारी थी, माफ कीजिएगा, निर्वाचन अधिकारी थी ये, बट इनको अब क्या कर दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल का। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष ये बन गई है श्रीमती वीरा राणा, और अपर मुख्य सचिव ये हैं, क्लियर है? नेक्स्ट है आईपीसी केसरी। ये आईपीसी केसरी वही है जो कि व्यापम के उपाध्यक्ष है, या व्यापम के अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। देखिये, व्यापम के ये अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के, प्रबंध संचालक है। इसके अलावा नर्मदा बेसिक प्रोजेक्ट जो कंपनी है, इसके भी ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही है। अध्यक्ष किसके हैं? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम के। तो इतनी सारी चीजें याद रखिएगा, और अपर मुख्य सचिव है ये, तो इनसे भी हो सकता है आपका क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट है मोहम्मद सुलेमान। ये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, गैस भोपाल, गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास और प्रवासी भारतीय, इन सभी के अपर मुख्य सचिव ये हैं। अगर हम बात करें सामान्य प्रशासन विभाग में अपर मुख्य सचिव कौन है, तो इनका नाम है विनोद कुमार। नेक्स्ट है आपके जे एन कंसुंटिया। ये अपर मुख्य सचिव है पशुपालन विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। तो ये अपर मुख्य सचिव है इन विभाग के। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश गृह विभाग के मुख्य सचिव कौन है या गृह विभाग के सचिव कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर राजेश राजोरा। ये जेल विभाग और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आवासीय आयुक्त मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली के अपर मुख्य सचिव की, तो इनका नाम है श्री पंकज राव। नेक्स्ट जल संसाधन और परिवहन विभाग के सचिव कौन है, तो ये है आपके शिव नारायण मिश्रा। अगर हम बात करें गाइस राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर के, तो इसके जो अध्यक्ष है ये अश्विनी कुमार रॉय है, अपर मुख्य सचिव ये है, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है राजस्व मंडल का। नेक्स्ट मलित श्रीवास्तव है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी इनके पास में, पर्यावरण इनके पास में है विभाग, तो ये अपर मुख्य सचिव है इन विभागों के, क्लियर है? तो ऐसे ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट लेख आपका आता जाएगा वो हम कवर करते चलेंगे। बाकी ऐसे अगर हम सब कवर करेंगे तो आपकी ज्यादा वीडियो ज्यादा लंबी लेंथी हो जाएगी, और आप इतना सारा याद भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये अजीत केसरी जो है, इनसे हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। मार्क फेड है किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ये हैं। नेक्स्ट है हम वित्त विभाग की बात करते हैं। हम वित्त विभाग के मनोज गोविल है प्रमुख सचिव, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि वित्त विभाग के प्रमुख सचिव कौन है, इनका नाम है मनोज गोविल। नेक्स्ट है मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव, इनका नाम भी आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्मिता भारद्वाज, इनका नाम है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की प्रमुख सचिव है गोपाल श्रीवास्तव। लोक निर्माण विभाग में जो प्रमुख सचिव है, इनका नाम है नीरज मंडलोई। यहाँ संजय दुबे भी काफी इंपोर्टेंट अधिकारी है, काफी इनको सचिव बनाया गया है नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, तो इनको यही डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके अलावा गए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पहले वीरा राणा थी, और अब किनको बना दिया गया है, अनुपम राजन को बना दिया गया प्रमुख सचिव है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी यही है अनुपम राजन। नेक्स्ट है अनिरुद्ध मुखर्जी। ये
पर्यावरण विभाग में प्रमुख सचिव है। इसके अलावा संजय कुमार शुक्ला ये आपके प्रमुख सचिव है औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग में। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक में प्रमुख सचिव है दीप्ति गौड़ मुखर्जी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव कौन है तो रश्मि अरुण समी ये प्रमुख सचिव है स्कूल शिक्षा विभाग की। इसके अलावा गाइस वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव कौन है दीपाली रस्तोगी इनका नाम है। अनुसूचित जाति कल्याण ये जनजाति कार्य विभाग के प्रमुख सचिव कौन है पल्लवी जैन गोविल इनका नाम है। राजस्व विभाग लोक सेवा प्रबंधन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कौन है तो ये मनीष रस्तोगी इनका नाम है, काफी चर्चित ये अधिकारी है। नेक्स्ट है शिवशेखर शुक्ला, ये भी काफी चर्चित है प्रमुख सचिव है ये, और भारत भवन संस्कृति पर्यटन इन सभी के देखिए जितना भी यहाँ पर मेंशन हमने कर रखा है सभी के ये आपके प्रमुख सचिव है शिवशेखर शुक्ला। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के श्रम सचिव कौन है तो ये इनका नाम है सचिन सिन्हा, ये श्रम प्रमुख श्रम डिपार्टमेंट में प्रमुख सचिव है। इसके अलावा प्रतीक हजेला ये है प्रमुख सचिव है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग में। राजभवन भोपाल, देखिए राजभवन जो होता है ये राज्यपाल का होता है तो राज्यपाल के जो प्रमुख सचिव है इनका नाम है डीपी आहूजा प्रमुख सचिव ये है। नेक्स्ट है फैज अहमद किदवई, ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण में प्रमुख सचिव के पद पर इनको तैनात किया गया है। इसके अलावा अध्यात्म विभाग के प्रमुख सचिव कौन है तो इनका नाम है संजीव कुमार झा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर हो जाएंगे आपके। इसके अलावा वित्त विभाग के प्रमुख सचिव कौन है तो इनका नाम है गणेश शंकर मिश्रा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास में उमाकांत उमराव प्रमुख सचिव है। इसके अलावा आयुष विभाग में आपके हो जाएंगे कलरिन खोंगवार देशमुख इनका नाम है। नेक्स्ट है आवास विभाग में नगरी विकास एवं आवास विभाग में मनीष सिंह प्रमुख सचिव है इसके। इसके अलावा खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट है जनसंपर्क विभाग आयुक्त जनसंपर्क तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश माध्यम के अतिरिक्त प्रभार के साथ साथ जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव है राघवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार तकनीक विभाग तो ये आकाश त्रिपाठी है इसके सचिव। अब नेक्स्ट है आर्थिक एवं सांख्यिकी इसके सचिव है मुकेश चंद्र गुप्ता। नेक्स्ट है देखिए नगरी इन सभी में अपर सचिव होते फिर प्रमुख सचिव होते फिर सचिव होते इसीलिए आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि बार बार आपके एक ही डिपार्टमेंट आ रहा है तो सभी डिपार्टमेंट में आपके अपर मुख्य सचिव होते उसके बाद में प्रमुख सचिव होते और फिर सचिव होते तीन ये पद होते हर विभाग में तो इसीलिए आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए नगरी विकास एवं आवास विभाग के अगर हम सचिव की बात करें तो इनका नाम है निकुंज कुमार श्रीवास्तव। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सचिव रेणु तिवारी है। नेक्स्ट है ऊर्जा विभाग में सचिव कौन है विवेक कुमार पोरवाल। और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो मंत्रालय है इसमें सचिव है पी नरहरि। गृह विभाग के सचिव कौन है श्रीनिवास वर्मा है इनका नाम डॉक्टर डी श्रीनिवास वर्मा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री के सचिव कौन है तो ये है आनंद कुमार शर्मा। ये जैसे कि मुख्यमंत्री जो भी होते हैं उनके सचिव होते हैं स्पेशल तो उनके सचिव है ये आनंद कुमार शर्मा। और अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री के ओएसडी कौन है ओएसडी बनाए जाते हैं मुख्यमंत्री के तो इनका नाम है योगेश चौधरी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री विमानन के सचिव कौन है एम शैलवेंद्रन इनका नाम है। सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव है श्रीनिवास शर्मा। नेक्स्ट है राजस्व विभाग के सचिव संजीव गोयल है। और कोष एवं लेखा विभाग वित्त विभाग के सचिव ज्ञानेश्वर बी पाटिल इनका नाम है। प्रोत्साहन विभाग जो आपकी आपका औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग है इसके जॉन किंसली आर इसके सचिव है। गृह विभाग के जो सचिव है रविंद्र सिंह है। वन विभाग के सचिव हो जाएंगे श्रीमती पद्मा प्रिया बालकृष्णन। नेक्स्ट है आपका जो प्रबंध संचालक द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड मुंबई वित्त विभाग के सचिव है अजीत कुमार। लोक निर्माण विभाग में सचिव हो जाएंगे पीसी भारस्कर। और विधानसभा के प्रमुख सचिव है अवधेश प्रताप सिंह जो कि हम हमारे जो एमपी में वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियोज है उनमें हम हर बार आपको ये क्वेश्चंस करवाते हैं विधानसभा के प्रमुख सचिव के बारे में अवधेश प्रताप सिंह। तो देखिए ये जो सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव इन सभी को हम आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
बाकी अच्छे से करवाया है। आप एक बार रिवीजन कीजिएगा इनका, काफी अच्छे डिटेल है आपको यहाँ से। देखिए इन सभी के आपको ये जो विभाग के सचिव है इनका आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि जो ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं ये सचिव से ही बन रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।